किसान वीरों, हम पहुंचे थे महाराष्ट्र में और यहां पर मुझे जो बहुत ही एक यूनिक चीज देखने को मिली है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ज्यादातर किसान क्या सोचते हैं कि उनके पास वो अपने घर पे रहते हैं, पशुपालन नहीं कर सकते क्योंकि हरे चारे की प्रॉब्लम है। तो आज आपका ये वहम भी दूर कर देंगे कि हरा चारा आप अपने घर की छत पे भी उगा सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे किसान का घर है और जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके पास बकरी भी है, भैंस भी है और बकरियां मैं आपको यहाँ पे इनकी दिखाना चाहूंगा। जो इनकी बकरियां हैं वो एक दो बकरी यहाँ पर भी है वो आप देख सकते हैं और इनकी जो भैंस है वो ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये पंडरपुरी ब्रीड रखते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पंडरपुरी ब्रीड बहुत चलती है। तो देख सकते हैं कि ये पंडरपुरी ब्रीड्स हैं और मैं से बहुत डर रहे हैं, हम ऊपर चलते हैं और सर का हाइड्रोपोनिक सिस्टम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देख सकते हैं घर की छत पे हम पहुंच चुके हैं और इधर देख सकते हैं ये है हाइड्रोपोनिक चारा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये गेहूं है और गेहूं ये कुछ दिनों में कुछ ऐसे रूप में बदल जाती है। तो आप देखें ये गेहूं और जिन्होंने इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम को बनाते हैं विशाल माने जी वो भी हमारे साथ हैं और जिस किसान का ये है वो भी हमारे साथ है। पहले हम किसान से जानते हैं उनका क्या, आपने सर ये अब लगवाया था? अभी 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल हो गया आपके पास? जैसे मैं देख पा रहा हूँ 2 भैंस है तो 2 भैंस का आपका इससे काम चल जाता है? हाँ इससे ऐसे तो कम चल जाता है, हरे चारे का तो प्रबंध हो जाता है इससे जी। डेली कितना हरा चारा उत्पादन मिल जाता है आपको इससे? अभी 1 केजी को मैं 5 केजी इसमें गेहूं या मक्का डालता हूँ, उसे एवरेज इन एवरेज 7 केजी मिलता है 1 केजी को। 1 केजी से 7 केजी? हाँ। तो 5 केजी से 35 केजी? 35 केजी तक। 35 केजी डेली आपको हरा चारा उपलब्ध होता है? 2 भैंस के लिए सफिशिएंट है। कितने टाइम डालते हो आप इनको हरा चारा? हरा चारा 1 टाइम डालता हूँ मैं और दो पूरा मिक्स करके डालता हूँ। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है सर, आप बताएंगे कि इससे आपके पशु सही दूध दे रहे हैं? हाँ वो तो दे रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा है दूध में उसका बढ़ा उत्पादन। और दूध बढ़ने का कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि हरे चारे का हरा चारा है और साथ में अनाज हमारा अनाज भी है और दाने की हमारी कॉस्ट भी इससे थोड़े कम होती है। ठीक है, और बता सकते हैं कि 1.5 साल का आपका रिव्यू कैसा है इसके बारे में? बहुत ही अच्छा। तो अब हमारे साथ विशाल माने जी भी हैं जो कि इस सेटअप को प्रोवाइड कराते हैं किसानों को। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताएं कि आपका ये क्या प्रोजेक्ट है, कैसे इसका किसान फायदा उठा सकते हैं? जी हम एक कंसेप्ट लेके आए कि जिसके चलते लोग अगर उनके पास जमीन नहीं होगा या कुछ पानी का कमी रहेगा या उनके पास समय कम है फिर भी वो कम जगह में कम दिनों में और कम मेहनत से कम लागत से हरा चारा उपलब्ध कर सकते हैं। जी जहाँ की आज आप देख रहे हो कि हमने एक ऐसे हमारे कस्टमर है कि जिनको खेती नहीं है, एक खुद प्रोफेशनल जॉब करते हैं, घर में शौक के लिए उन्होंने 2 भैंस पाली है, 2 बकरियां है जी। तो उनके लिए हरा चारा तो नहीं ला सकते लेकिन तकरीबन 1.5 साल से हमने इनको सेटअप प्रोवाइड किया है उसके चलते वो हरा चारा बहुत अच्छे लेवल पे पा रहे हैं और उनको वो दिक्कत नहीं हो रही। तो सर बताएंगे कि आपके जैसे 2 पशुओं वाले इस सेटअप की कॉस्ट कितनी है, किसी के 5 या 10 है, ज्यादातर 10 से 20 वाले ज्यादातर किसान होते हैं तो आप इन अपने सेटअप की कॉस्ट जरूर बताएं। देखिए हमने क्या किया है कि हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार हमारा डिजाइन बनाया है। जी जी अब आप फिलहाल देख रहे हो तो तकरीबन 25 से 30 केजी वाला सेटअप है जो कि हम 18,000 में कस्टमर को सेल करते हैं जी। उसमें डिपेंड रहता है अलग से ट्रैवलिंग कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जी जी और ये हो गया 25 केजी, 50 केजी वाला, 50 केजी वाला रहेगा आपको 32,000 का। जैसे हम अलग अलग सेटअप के पर केजी के पर डे के अनुसार सेटअप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सर किसी के पास 10 गाय भैंस है तो उसको उसके लिए सेटअप कितना कॉस्ट करता है? तकरीबन हो जाएगा समझो 10 गाय का रहेगा तो 55,000 जाएगा सर। 55,000 लेकिन हम उसमें पूरे मटेरियल के साथ इंस्टॉलेशन करा के देंगे कस्टमर को उनके फील्ड जाके। जी वो हमारा जिम्मा रहेगा 1 साल का पूरा। अच्छा मटेरियल भी आपका होगा, इंस्टॉलेशन भी आपका होगा, उसके बाद उसको सिर्फ मेंटेन करना है। वो भी हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, 6 महीने का हमारा कंसल्टेंसी उनको रहेगा और 1 साल का वारंट रहता है हमारी तरफ से। ओके ओके। तो सर इसके ऊपर कोई सरकार सब्सिडी भी देती है? देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी रहती है जी, मिल जाती है लेकिन अब कस्टमर को वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सर्वेंट को जाके कन्वे करना पड़ेगा जी। और इसको गाय भैंस बकरी सभी के लिए यूज किया जा सकता है? देखो आपको जो पशुपालन में है हर पशुपालन के बिजनेस में कारोबार में आप उसको लगा सकते हो जी। आपका बकरी फार्म रहेगा, गाय का रहेगा, भैंस का हो या रैबिट फार्म हो जी, आप मुर्गी पाल रहे हो जी, बतख पाल रहे हो, आपके हर एक कोई बहुत फायदेमंद है। देखिए इंडिया में कहीं भी लगवा सकता है? हम पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं जी। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी या उनके पास जो पशु रहेंगे जी
उनके संख्या के अनुसार, बेसिकली उनको पहले बेसिक ट्रायल के सेटअप के अनुसार हम उनको सेटअप प्रोवाइड करा रहे हैं जी। और आपका आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है किसान? हमारा जगदम्बा हाइड्रोपोनिक सिस्टम जी, इसके थ्रू हम आपको पूरा सेटअप प्रोवाइड करेंगे। 9561621500 और एक नंबर है जी 9921066913। अपने सुझाव या सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो।